नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आजमगढ़ से खबर आ रही है जहां उलेमा काउंसिल का बयान आया है। अबू आजमी के बयान पर उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया है और कहा है कि पहले अपना डीएनए कराए अबू आजमी ने जो बयान दिया था उसको लेकर आमिर रशीद मदनी ने यह बयान दिया है और कहा है कि अबू आजमी पहले अपना डीएनए कराए। पेशाबी मदनी ने अबू आजमी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। मुलायम सिंह की नाजायज औलाद है अबू आजमी। मुस्लिम धर्म गुरुओं पर मदनी ने निशाना साधा है और कहा है कि वो अल्लाह से नहीं बल्कि मुलायम की हुकूमत से डरते हैं। सभी धर्म गुरु सरकारी दरबारी हैं, ये अपने कौम को बेचने के लिए पैदा हुए हैं। आमिर रशादी ने नरेंद्र मोदी का बचाव किया है और कहा है कि मोदी ने टोपी नहीं पहनी, इसका मतलब वो दोगले आदमी नहीं है। आजमगढ़ में मुलायम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं आमिर रशादी मदनी। दूसरी बात जहां तक डीएनए टेस्ट की है, मुझे ऐसा लगता है कि अब आसिम आदमी अपना खुद डीएनए टेस्ट कराए। कहीं ऐसा तो नहीं मुलायम की नाजायज औलाद है? एक कौम पे प्रहार किया, पूरी मिल्लत पे प्रहार किया, मुस्लिम समाज पे प्रहार किया उन्होंने ये बात। इसलिए अब आसिम आदमी को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह की नाजायज औलाद है, क्योंकि ये साम दाम दल भेद की राजनीति करते हैं, दोगलेपन की राजनीति करते हैं। अगर पार्टी वाकई उनकी इस बात से सहमत नहीं है तो पार्टी को अबू आसिम आजमी को 6 साल के लिए तुरंत निष्कासित करना चाहिए, अगर पार्टी वाकई ईमानदार है। आमिर रशादी मदनी ने बयान दिया है। उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आमिर रशादी मदनी, जिन्होंने ये बात कही है और कहा है कि मुलायम सिंह की नाजायज औलाद है अबू आजमी। आपको बता दें कि अबू आजमी ने एक बयान दिया था जनसभा के दौरान, ये बात कही थी कि जो भी मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। और हमारे सहयोगी संजीव जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। संजीव, हम बयानों की बात कर रहे थे कि एक के बाद एक बयान के बाद उसके बाद पलटवार उसके सामने आते हैं। अभी तक हम बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स की बात कर रहे थे, बड़े बड़े राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि आमिर रशादी मदनी उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं, वो भी ऐसे बात कर रहे हैं। आपके पास इस वक्त हमारे साथ मौलाना आमिर रशादी मदनी जी जुड़े हुए हैं, उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। मदनी जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपने इस बयान के जरिए आप क्या कहना चाहते थे? आपको लगता है कि आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सही थे? देखिए, बहुत साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि अबू आसिम आजमी ने पूरे कौम का मुस्लिम समाज को गाली दी है और उन्होंने ये कहा है कि जो मुलायम को वोट न दे वो मुसलमान का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, यानी कि वो मुसलमान नहीं है। तो मैंने जो बात कही है कि अबू आसिम आजमी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कहीं वो मुलायम सिंह की नाजायज औलाद तो नहीं, मैं अपनी बात से कहा हूं। जी, आप अपनी बात भी कहा ना, आपको अपनी बात का कोई गला नहीं है कि आपने अपशब्द का इस्तेमाल किया है, आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है? नहीं, मैं गलत शब्द नहीं है। अगर पूरे कौम को कोई गाली देगा, 1976 में पहले ये 1996 में भी इन्होंने जी यही बात कही थी इस तरह की, अगर पूरे कौम को कोई गाली देगा तो इस तरह का शब्द प्रयोग करना पड़ेगा मजबूरन। जी, मुलायम सिंह यादव एक जगह पूरे मुसलमानों का नरसंहार करवाते हैं, मुजफ्फरनगर बनाते हैं, सरपंच में ठुमका बनवाते हैं बाजार के, अब आसिम आदमी उस वक्त क्यों नहीं कहा? लेकिन मदनी साहब, अबू आजमी ऐसे बयान दे रहे हैं, आप उनके बयान की निंदा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने पूरी कौम को गाली दी है। अगर आप भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आप ऐसी बातें आप भी करेंगे, तो आप में अबू आजमी फर्क क्या रह जाएगा फिर? नहीं, आप इसको समझे, ये पूरी कौम को गाली दी गई है। अगर वो हमारा डीएनए, आप भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके किसी के लिए गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? एक मिनट, आपका नाम जी? ये अनामिका कौन बोल रही है? मदनी जी, अगर आप किसी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नाजायज बेटे हैं, उनका डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए, मैं जानना चाहती हूं कि आपके बयान में और सपा नेता अबू आजमी के बयान में क्या अंतर रह गया? आप भी सोने की कैटेगरी में आ गए? एक मिनट मेरी सुन ले। हाँ, अगर वो मुझे जाती तौर पे कह देते तो मैं बर्दाश्त, इससे पहले उन्होंने बहुत इल्जाम लगाए मेरे ऊपर, लेकिन मैंने आज तक कभी टीवी पे या अखबार में नहीं कहा जी। लेकिन अभी खालिद मुजाहिद के सिलसिले में जब उनका मर्डर हुआ तब भी उन्होंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, मैंने कुछ नहीं कहा जी। लेकिन इस मरतबा उन्होंने पूरी कौम का डीएनए का मतलब आप जानती है,
भी इस बात पे कोई शर्म नहीं है कि इनका भी इतने एडजस्ट होना चाहिए कि मुलायम मोह इतने हो चुके हैं कि ये अपने भाइयों को गाली देना सीख रहे हैं जी। ये एक कातिल के लिए अगर उत्तर प्रदेश तो ये नरेंद्र मोदी गुजरात में मुसलमानों का नकदार किया और कत्ल किया। अगर मदनी साहब क्या आप नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं? नहीं, हम नरेंद्र मोदी का नहीं, हमने 2000 साल से उसको माफ नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश के मोदी बाप बेटे को अखिलेश और उनके बाप को कैसे माफ कर देंगे? उसके बाद हमें गाली दी जाएगी चुनाव लड़ने के लिए? अगर ये वाकई में ईमानदार होते तो ये जो है मोदी को रोकने की बात करते हैं, अंदर से मोदी से मिले हुए हैं। आजम खान ने कहा था जब निकले थे कि मुलायम बहुत लंबी खाकी नेकर पहनते हैं। आज मैं आजम खान से भी पूछूंगा आपसे के माध्यम से कि वो खाकी नेकर आधी आजम जी ने बात ली, आधी अब हसन को देने। धन्यवाद मदनी जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर रशादी मदनी हमारे साथ जुड़े थे। उनको उस बात का कोई गिला नहीं है कि उन्होंने जो भी शब्द इस्तेमाल किए हैं गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं। उनका कहना है कि मैंने अपने पूरे मुस्लिम समाज का बदला ले लिया है इस तरह के की बात कहकर। फिलहाल सुनते हैं कि हमने जो बात की है मदनी जी से, इसके पहले क्या बयान दिया था मदनी जी ने। दूसरी बात जहां तक बिलेंगे टेस्ट की है, मुझे ऐसा लगता है कि अब आसिम आजमी अपना खुद बुलंदे टेस्ट कराएं। कहीं ऐसा तो नहीं मुलायम की नाजायज औलाद है? एक कौम पे प्रहार किया, पूरी मिल्लत पे प्रहार किया, मुस्लिम समाज पे प्रहार किया उन्होंने ये बात। इसलिए अब आसिम आजमी को अपना बुलंदे टेस्ट कराना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह की नाजायज औलाद है।